हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका हियर, अ होम बेकर फ्रॉम प्रियाज मैजिकल किचन। सो प्रियाज मैजिकल किचन में आज मैं आपको सिखा रही हूँ पुलमी अप केक। पुलमी अप केक आप जो चाहे फ्लेवर में बना सकते हो। यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ नटेला हेजलनट फ्लेवर में पुलमी अप केक। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पुलमी अप केक बनाने के लिए यहाँ पे मुझे हाफ केजी का केक बनाना है। तो हाफ केजी के केक के लिए मैंने 5 इंच के टीन में केक बेक किया है। आपका जो स्पॉन्ज रहेगा 200 से 250 ग्राम का आपको स्पॉन्ज लेना है हाफ केजी केक के लिए। देन यहाँ पे आपको क्रीम लगेगा, नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम लगेगा 100 ml to 150 ml। देन यहाँ पे हमें लेना है गनाश। यहाँ पे मैंने लिया है गनाश, डार्क चॉकलेट गनाश। देन आपको लेना है नटेला, या फिर आप हेजलनट स्प्रेड ले सकते हो, चॉकलेट हेजलनट स्प्रेड या फिर नटेला। देन यहाँ पे आपको लगेगा रोस्टेड हेजलनट्स। तो यहाँ पे रोस्ट करके हेजलनट्स लेना है और साथ साथ में उसे इस तरह से फाइनली चॉप कर देना है। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसे डीमोल्ड कर देंगे। आपको अगर प्रीमिक्स का स्पॉन्ज सीखना है तो मेरे पेज पे अवेलेबल है वीडियो, तो आप देख सकते हो कि किस तरह से आप रेडीमेड प्रीमिक्स से स्पॉन्ज किस तरह से बनाओगे, वो मैंने ऑलरेडी सिखाया है। तो ये जो स्पॉन्ज है मेरा स्क्रैच से बनाया हुआ है, जिसके मैं वर्कशॉप लेती हूँ। और यहाँ पे इसे हमें 3 पार्ट्स में कट कर लेना है इस तरीके से। कोई भी वर्कशॉप की अगर जानकारी चाहिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरे पेज पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, इस तरह से हमें 3 पार्ट्स में कट कर लेना है। अगर आपको वनीला में ये जो फ्लेवर है, ये फ्लेवर अगर आपको वनीला में देना है तो आप वनीला में भी दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 3 पार्ट्स में इसे कट कर लिया है। अब हम क्रीम को जो है व्हिप कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 150 ml क्रीम लिया है। तो यहाँ पे आपको आइस फॉर्म में अगर क्रीम है तो उसे थोड़ी देर बाहर रखना है, या फिर आप कूलिंग सेक्शन में रख दो, फ्रोजन में से कूलिंग सेक्शन में रख देना है और ये जो है अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। मीन्स हमें चिल्ड क्रीम चाहिए बट लिक्विड फॉर्म में चाहिए। अगर थोड़े आइस क्रिस्टल हैं तो सबसे पहले आप 1 स्पीड पे जो है बीटर चला, उसके बाद आपको हाई स्पीड पे चलाना है। तो यहाँ पे हम देखिए हमारी क्रीम जो है बहुत अच्छे से व्हिप हो गई है। इसमें हम थोड़ी क्वांटिटी में गनाश ऐड करेंगे। हमें चॉकलेट क्रीम चाहिए तो हमें यहाँ पे गनाश का क्वांटिटी लेना है 1 टेबल स्पून, इतना इनफ है। तो यहाँ पे हम थोड़ा गनाश ऐड करेंगे। आपको कितना डार्क पसंद है उतना हमें लेना है यहाँ पे गनाश। तो ये हमने डाल दिया। अब हम अगेन इसे व्हिप करेंगे जस्ट लो स्पीड पे। यस, हमारी चॉकलेट क्रीम यहाँ पे रेडी है। अब हम आइसिंग करेंगे। तो सारे यहाँ पे जितने भी हमें इंग्रेडिएंट चाहिए आइसिंग के लिए, ये हमने गैदर कर लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो चॉकलेट स्पॉन्ज है इसे वाटर से सोक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप पानी से सोक करते हो तो इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा रहेगी। एटलीस्ट 4 to 5 डेज आप आराम से इसे फ्रिज में रख सकते हो। शुगर सिरप से आप 2-3 डेज यहाँ पे आराम से स्टोर कर सकते हो, और मिल्क से अगर कर रहे हो ओनली 24 आवर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, अच्छे से चेक कर लेना है अच्छे से सोक हुआ है कि नहीं, क्योंकि कोको पाउडर जो होता है वो केक को ड्राई कर देता है जब आप इसे फ्रिज में रखते हो। देन हमें लेना है गनाश। गनाश की एक लेयर लगा देनी है, थिन लेयर लगाइए क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेट 1/2 kg का केक बनाना है। तो यहाँ पे हमने एक थिन लेयर लगा दिया है गनाश का। इसे अच्छे से हमें स्प्रेड कर लेना है इस तरह से। हमने स्प्रेड कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे नटेला का एक लेयर लगा रही हूँ। यस, इसे भी हमें अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। हमने स्पॉन्ज के ऊपर डायरेक्टली ये लेयर लगाई है सबसे पहले, उसके बाद हम क्रीम की लेयर लगाएंगे। इससे टेस्ट जो है बहुत रिच आता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, बेकिंग में इंटरेस्ट है, कुकिंग में इंटरेस्ट है, तो फटाफट प्रियाज मैजिकल किचन को फॉलो करो ताकि डेली अपडेट्स आपको मिलते रहे। अब हम यहाँ पे चॉकलेट क्रीम का लेयर लगाएंगे। इस तरीके से अच्छे से हमें इसे स्प्रेड करना है लाइक दिस।
अब हम यहाँ पे फिर से नटेला का लेयर लगाने वाले हैं। अगेन अच्छे से स्प्रेड करेंगे। हमारे पास है रोस्टेड हेजलनट्स, सो हेजलनट्स को अच्छे से आपको चॉप कर लेना है। ये जो हेजलनट्स है हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। ये हमने इस तरह से डाल दिया। ऊपर से फिर से थोड़ा नटेला हमें ये हमने नटेला फिर से डाल दिया ताकि स्पॉन्ज की लेयर जो है अच्छे से इसके ऊपर स्टिक हो जाए लाइक दिस। अब हम इसके ऊपर मिडल वाला स्पॉन्ज रखेंगे, मींस टॉप स्पॉन्ज जो है वो मिडल में रखेंगे। इसे हम अच्छे से रख देते हैं। साइड से जितने भी गैप है उसे आपको कवर कर लेना है, तो हम साइड से अच्छे से फिल कर देंगे ताकि कोई भी गैप ना रहे इसमें। एक्स्ट्रा क्रीम हमें निकाल देनी है। यहाँ पे हम स्टील का स्क्रैपर यूज कर रहे हैं एक अच्छी क्रीम फिनिशिंग के लिए। ये जो है एक्स्ट्रा क्रीम यहां से निकाल लेते हैं। और एक बार ये जो है फ्लेक्सिबल स्क्रैपर है जिससे हम फिनिशिंग करेंगे केक की, ये हमने अच्छे से फिनिशिंग कर दी। फिर से हम सोक करेंगे। सेम वे से हमें करना है। अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं, देन नटेला स्प्रेड इट अगेन। अब हम क्रीम की लेयर देंगे। इसके ऊपर इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। नटेला इसे भी हम अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं। नाउ हेजलनट्स, रोस्टेड हेजलनट्स अच्छे से स्प्रेड कर लेना है इस तरह से, देन नटेला। तो इसके ऊपर हम स्पॉन्ज का आखिरी लेयर रख देते इस तरह से और साइड से जो है गैप उसे फिल कर देंगे। यहाँ पे हमें स्टील या फ्लेक्सिबल स्क्रैपर का यूज करना है। यहाँ पे मैं स्टील स्क्रैपर का यूज कर रही हूँ ताकि एक इवनली इसकी फिनिशिंग अच्छी है लाइक दिस। टॉप हम सोक कर लेंगे।
अगेन यहाँ पे मैं बनाश का लेयर लगा रही हूँ। इसे स्प्रेड कर लूंगी। दिस इज द क्रम्बल कोटिंग। इसे आप 15 से 20 मिनट के लिए एटलीस्ट फ्रिज में छोड़ दीजिए। उसके बाद हम इसकी फाइनल फिनिशिंग करेंगे। सो यहाँ पे 20 मिनट हो गया है, अब हम इसकी फाइनल फिनिशिंग करते हैं। बॉटम से हमें क्रीम लगाना लेना है। यहाँ पे इस तरह से क्रीम लगा लेना है। अब हम इसकी फिनिशिंग करेंगे। यहाँ पे इस तरह से हमने फिनिशिंग कर लिया है। हमेशा आपको फ्लेक्सिबल स्क्रैपर यूज करना है फिनिशिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं लाइंस बना रही हूँ। फ्लेक्सिबल स्क्रैपर में ही इस तरह से हमें लाइंस बना लेनी है। इसे मैं 15 मिनट के लिए फिर से फ्रिज में रख रही हूँ। इसके बाद मैं इसके ऊपर ग्लेज लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से हमें लेना है ग्लेज। सो मैं यहाँ पे आर्टिफिशियल ड्रिपिंग कर रही हूँ। अच्छे से इसे स्प्रेड कर लेना है। सो ये है ग्लेजिंग। इसे 1:1:1 के प्रोपोर्शन से बनाया गया है। मीन्स 10 ग्राम डार्क चॉकलेट, पेल्टेड डार्क चॉकलेट, 10 ग्राम हॉट फ्रेश क्रीम एंड 10 ग्राम न्यूट्रल जेल। तो ये रेडी है। अभी इसे हमें बनाना है पुल में अप केक। तो सबसे पहले चॉकलेट की गार्निशिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम OHP शीट लगाएंगे। सो इसके टॉपिंग पे हमें रखनी है चॉकलेट्स। सो सपोर्ट की सहायता से हमें रखेंगे। किटकैट हम इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। देन ओरियो। मेरे पास इस तरह से चॉकलेट बॉल्स हैं। इसको मैं गोल्डन डस्ट से इस तरह से लाइक दिस मैंने गोल्डन डस्ट लगा दिया है। ये बॉल्स देन फेरेरो रोशर्स इस तरीके से काफी सारी चॉकलेट्स हमें यहाँ पे रख देनी है। अगेन किटकैट हियर। जेम्स, मेरे पास जेम्स है, सो मैं जेम्स भी यहाँ पे यहाँ पे देखिए काफी सारी हमने चॉकलेट इसमें रख दी है। अब हम यहाँ पे सॉस बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें देना है चॉकलेट। इसमें हमें एकदम बॉइलिंग फ्रेश क्रीम लेना है। ये हमने डाल दिया।
इक्वल प्रपोर्शन में लेना है, अच्छे से मिक्स कर देना है लाइक दिस। अब हम इसमें ऐड करेंगे न्यूट्रल जेल, जिससे कि एक बहुत बढ़िया शाइन आएगी। तो इसे आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। सो ये हमारा चॉकलेट सॉस बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पे हमारा सॉस रेडी है, इसे आपको इस तरह से बॉटल में भर देना है। अगर आपको लग रहा है कि आपका सॉस काफी ज्यादा ठीक है तो थोड़ा सा मिल्क ऐड कर दीजिए लाइक दिस। सो ये रेडी है। सो यहाँ पे देखिए हमारा सॉस भी रेडी है और केक भी रेडी है। ये है OHP शीट जिसे हम यूज करते हैं पुलमिया केक बनाने के लिए। तो यहाँ पे अभी OHP शीट वो बहुत इजीली मिल जाएगी आपको मार्केट में। इसे इस तरह से हमें अच्छे से कवर कर लेना है लाइक दिस। प्रॉपरली और जो यहाँ पे जहां पे स्पेस है यहाँ पे हमें स्टिक कर लेना है। तो सेलो टेप की सहायता से हमें अच्छे से इसे स्टिक कर लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से हमें स्टिक कर लेना है और ये जो है हमारा केक रेडी है। तो ये है हमारा फुलमिया केक जिसके साथ हमने बनाया है सॉस भी। और जस्ट कस्टमर को बताना है, इसे आपको पोर करना है और पुल अप करना है, दैट्स इट। सो हमारा ये फुल मेकअप केक रेडी है। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो पेज को फॉलो करो, लाइक करो और कमेंट में बताइए आपको कैसे लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।